Hello friends, welcome to Yogic and Modern Science. In this episode, we will be exploring the importance of Kumbh. As you all know, nowadays Kumbh 2019 is going on in Prayagraj, Uttar Pradesh. There are four places where the Kumbh celebration happens. One is Haridwar, which is in Uttarakhand, then Nasik in Maharashtra, Ujjain, and Prayagraj in Uttar Pradesh. So nowadays in Uttar Pradesh, Prayagraj, the Kumbh Mela is going on. Now, you see, we will be talking about the importance of Kumbh or the sacred bathing in River Ganga in the Kumbh Mela. Now, what is the importance of this sacred bathing in Kumbh, where all types of ascetics, sadhus, sannyasins flock together, they gather together, and all types of sacred things goes on, like religious discourses, bathing, and so many activities takes place. Now, what is the importance of the sacred bathing of Kumbh or Kumbh Mela? Now, there is one notion and people believe that in ancient time, the Amrit had fallen down on these four places, and this is the significance of these four places. That is why on these places, religious figures, all the ascetics and common people gather together, and they want to have sacred bathing, and there is a notion that they will be liberated. They will get moksha after taking bath in the sacred river. Now, Sharmari, what is the significance of Kumbh Mela? Kumbh Mela ka kya importance hai? Log ye kehte hain ki Kumbh Mela mein hum nahayenge, theek hai, sadhuon se milenge, sanyasiyon se milenge, to hume moksha milega. To isme kya sachchai hai iski? Kumbh ke bare mein abhi tak jo hamara yogic vigyan aur modern vigyan ke aadhar par agar hum iski vivechana kare Kumbh Mela ki, तो अध्यात्म की लाइन ये कहती है कि अमृत, जहाँ तक उनकी मान्यता है अध्यात्मिक की, वो यही है कि अमृत जो है वो इसकी छलक गया था जहाँ चार जगहों में जो आपने बताई, तो इसमें हरिद्वार उत्तराखंड, नासिक महाराष्ट्र, उज्जैन एमपी और उत्तर प्रदेश प्रयागराज में. इस वक्त कुंभ का मेला प्रयागराज में 2019 चल रहा है, तो इसमें मान्यता साधु संतों की आध्यात्मिक यही है कि यहाँ पर अमृत जो है छलक गया था, इसलिए हम यहाँ एक स्नान करेंगे तो स्नान से मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी. ऐसी धारणा को लेकर के यहाँ पर सभी लोग, सभी संत महात्मा, सभी आध्यात्मिक से जुड़े हुए भक्तगण सभी यहाँ पर एकत्रित होकर के एक सामूहिक स्नान करते हैं. सामूहिक स्नान का अर्थ ये है कि अगर एक साथ हम बहुत सारे लोग स्नान करते हैं तो एक जो हर बॉडी का एक ऑरा होता है, उस ऑरा के नज़दीक आने से, जब हम नज़दीक होने से उसका प्रभाव भी पड़ता है. तो प्रभाव पड़ने से क्या होता है कि जब हम डुबकी लगाते हैं, साथ जाते हैं, साथ में टच रहते हैं, तो इसमें उन लोगों के लिए ज़्यादा फायदा होता है जो लोग कम आध्यात्मिक में पावर है, जिनमें कम है, तो जिनको ज़्यादा पावरफुल हैं वो उनको किसी तरीके का असर नहीं होता है कि यहाँ पर क्या असर हुआ, तो एक दूसरे की इसमें सहायता हो जाए इस उद्देश्य से यहाँ पर स्नान, ये एकत्रित होना और शाही स्नान को बोला जाता है. अगर हम दूसरी की तरफ विवेचना करें कि अगर
ये व्यक्ति जो है ये लेकर के शाही स्नान में एक साथ प्रवेश हो रहे हैं गंगा में कि हमें यहाँ पर सामूहिक स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो इस उद्देश्य को लेकर, विचारधारा को लेकर के भले ही आप गंगा जी में आप डुबकी लगाओ और विचारधारा ये बना के रखो कि हमें मोक्ष की प्राप्ति होगी, मगर डुबकी लगाने के बाद में जब वही संत ऊपर की ओर बाहर की ओर जब जल से बाहर आता है तो उसकी कभी किसी की विचारधारा में नहीं होता है कि मुझे मोक्ष हो चुका है, ऐसी विचारधारा नहीं होती है किसी की भी नहीं होती। तो जहाँ तक ये भी है तो ये चीज में बहुत ये थोड़ा सा हम पहले भी एपिसोड में बता चुके कि किन चीज़ों की महत्वपूर्ण होती हैं कि एक तो स्थान और दूसरा उसमें समय कि वो समय क्या रहा, स्थान कहाँ था और आपने शब्द क्या कहा गया, आपने शब्दों का उच्चारण क्या किया, तो ये तीन चीज़ों का बहुत महत्व होता है। महत्व भी हम नकारते नहीं इस चीज़ को, मगर ये महत्वपूर्ण चीज़ जो हम इस वक्त आपस में आदान प्रदान विचार कर रहे हैं या जो हम एपिसोड के माध्यम से आपको ये इस तरीके का बता रहे हैं तो ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। और इसलिए इन चार स्थानों का महत्व है क्योंकि यहाँ पे अमृत गिरा था, अमृत गिरा तो स्थान का ये हो गया। हाँ, अमृत का जो जहाँ अर्थ लगाया तो कोई चीज आप मटके में घड़े में भर करके अमृत जैसी कोई चीज नहीं आप लेकर के चल रहे थे कि अमृत गिरा था, यहाँ एक अविनाशी की बात चल रही है, अमृत एक अविनाशी, क्योंकि यहाँ अमृत ये चीज चाहते हैं कि अमृत अगर हमने यहाँ पे मैं अमर हो जाऊं और ये मैं अमृत हमने पी लिया है तो यहाँ अमृत पीने जैसी कोई शरबत जैसी या कोई लिक्विड जूस जैसी कोई चीज नहीं है। अमृत का अर्थ वहां पर योगिक साइंस ये कहती है कि वो जो स्थिति जो अविनाशी है जैसे कि आपके साकार और निराकार और आकार ये अविनाशी हैं, तो जीवात्मा आत्मा और परमात्मा अविनाशी हैं, तो ये अविनाशी की जब विचारधारा स्थिति आपकी बनी हुई है तो नाशवान की जो चीज़ें हैं वो विचार से नदारद हो जाती हैं, विचार में रहती नहीं है, तो जन्म मरण से का कुछ विचार ही नहीं होता, तो इसलिए ये विचार ना होने की वजह से अविनाशी पे व्यक्ति की विचारधारा टिकी हुई है, मन बुद्धि चित्त उसका इस जगह पे रुकी हुई है, तो इसलिए वो अमृत ही कहा जाए, उसे अमृत कहा जाएगा। अमृत कोई ऐसी चीज नहीं है कि अमृत यहाँ है, इसलिए ये स्नान का महत्व तो है, मगर स्नान का महत्व तो आपने किस दृष्टिकोण से देखा है, आपकी दृष्टिकोण क्या रहा है उस वक्त स्नान का, तो ये बहुत महत्वपूर्ण उसमें चीज है इस कुंभ के मेले में। तो कुंभ के मेले में जो है ये चीजें मैंने अविनाशी आपको बताई कि अमृत किसे कहा जाना चाहिए था, तो ये इस तरीके की जो है कुंभ की एक विचारधारा चलती है। वैसे रामचरितमानस में भी इसका वर्णन है, रामचरितमानस में जो इसका वर्णन है वो अपने तरीके से है कि वहाँ पर प्रयागराज में कुंभ का मेला लगा है, जगवालिक जी राम कथा बोल रहे हैं, भरद्वाज जी संत समागम के साथ राम कथा सुन रहे हैं, तो एक रामचरितमानस में एक राम कथा हो रही है प्रयागराज, और प्रयागराज में जो व्याख्या होती है रामचरितमानस में वो पता नहीं कैसी होती है, मगर अगर यथास्थिति में अगर इसको हम देखें तो वो प्रयागराज हमारी नाभि का केंद्र है, जहाँ पर जैसे प्रयागराज नदियों का संगम है वहाँ हमारी नसों का संगम है, तो ऐसे ही उसमें रामचरितमानस में दूसरी एक रामायण हो रही है आपके नीलगिरी पर्वत पर, जहाँ काकभुसुंडी जी बोल रहे हैं और गरुण महाराज सुन रहे हैं वहाँ पे, तो नीलगिरी पर्वत एक आकाशी है जो हमारा हृदय है जो प्रयागराज से ऊपर है हमारा हृदय, यहाँ एक रामायण हो रही है, एक रामायण उमा जी की शादी होके आई है, तो जैसे विवाह होकर के शंकर जी के साथ उमा जी के आए तो कैलाश पर्वत पे हो रही है, उमा जी सामने बैठी हैं, शंकर भगवान राम कथा सुना रहे हैं, तो वो कैलाश पर्वत पर हो रही है, वो हमारा सिर है, तो सिर में आज्ञा केंद्र पर ये एक रामायण हो रही है,
चौथी कथा रामचरितमानस में तुलसीदास ये कह रहे हैं कि मैं गंगा जी के तट पर ये कथा लिख रहा हूँ रामचरितमानस, और ये चीज़ को जो है मैंने क्या करना है आपने अपने जीवन में और क्या नहीं करना है ये संदेश मैं लिख रहा हूँ इसमें। तो ये चीज़ रामचरितमानस में बिल्कुल स्पष्ट है, व्याख्या लोगों ने अपने अपने हिसाब से रामचरितमानस की है, जबकि उसमें निशाचर नेगेटिव एनर्जी है, और राम लक्ष्मण और जितने भी यहाँ बानर वगैरह ये पॉजिटिव एनर्जी है, तो शरीर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव एनर्जी की बात चल रही है। वहाँ जो मेघनाथ हमेशा बांधता है वो मोह है, और रावण हमेशा मारता है वो आपका क्रोध है, और जो कुंभकर्ण है वो खाता है बानरों को वो हमेशा अहंकार है। तो नेगेटिव एनर्जी और पॉजिटिव राम है आत्मा है, सीता है वो शक्ति है, और लक्ष्मण है वो प्राण रूप है। तो ये नेगेटिव एनर्जी की हमारी बॉडी में संघर्ष चल रहा है। तो नेगेटिव एनर्जी हम पहले ही बता चुके हैं कि नेगेटिव एनर्जी जो अंडे के पीछे की ओर से उठती है और पॉजिटिव एनर्जी जो अंडे के आगे की ओर से गिरती है, ये सारी स्थिति उस मूल में है, और मूल की ये पूरी की पूरी जो जगत है ये मूल अपने में प्रमाण है, और ये जगत उसकी फोटो कॉपी ये प्रमाणित है, इसको आप एंगल से नकार नहीं सकते, मगर ये है तो उसकी फोटो कॉपी, आप ये कर लो और लाखों कर लो तो वो लाखों फोटो कॉपी प्रमाण एक अलग चीज है। हम आत्मा परमात्मा जीव आत्मा की बात करते हैं, वो प्रमाण है, वही आपके अविनाशी हैं, और बाकी उनके अलावा जो कुछ भी आप स्थिति देखते हैं सारी की सारी नाशवान है। तो अविनाशी को हम अमृत कहते हैं, तो ये उसमें सिस्टम है। Yogic science does not believe in any physical events which happened in the ancient time. It does not believe the fact that somebody has poured down this amrit from amrit colors on these four places, right? So according to yogic science, the person who is aware of the state of Amrit or Avinashi state in his own being, if he has experienced that state, only that person is Amrit or Avinashi. It has nothing to do any physical events which happened in the ancient times, in time immemorial. So according to yogic science, there are two types of energies in any system, you can say. For example, in our own body, there are two types of energy system. One is negative energy, one is positive energy. So there is a battle of positive and negative energy always going on, right? And the state of being, or if one becomes aware of the mool or the original principles, which are the three principles, which are beyond any process, beyond any creative process. So beyond the creative process, the state of being, which is the state of the three principles, one is the consciousness, pure consciousness, the Atma or Prakriti, and the Jivatmas. Only the system of these three things are beyond any process, and that is why the three systems are Avinashi or Amrit, because they are not part of any process, they are not subject to any birth, any death, right? So the person who becomes aware of the three principles is Avinashi, is Amrit. There is nothing like Amrit had fallen down, okay, from some space onto the earth. Yogic science does not believe in such things. Thank you very much.